ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ब्रह्मा बाबा को इस ईश्वरीय ज्ञान का, इस ईश्वरीय पढ़ाई का कितना महत्व था। हम भी जब उसको फॉलो करने चले हैं तो हमें भी इस पढ़ाई का और इस ज्ञान का संपूर्ण महत्व होना चाहिए। जैसे योग एक इम्पोर्टेंट विषय है, वैसे ही ज्ञान भी बहुत इम्पोर्टेंट विषय है। जो ज्ञानी नहीं है वे योगी भी नहीं बन सकते। जिनके पास ज्ञान का रस नहीं है, जिनको ज्ञान में रुचि नहीं है, वो ज्ञान का सुख भी नहीं ले सकते, मुरली का सुख भी उन्हें नहीं मिलता। इसलिए फॉलो फादर करना है तो हमें पढ़ाई में भी फुल मार्क्स लेने हैं। ज्ञान को बहुत गहराई से समझना है। ये ज्ञान हमारे सद्विवेक का निर्माण करता है। इस ज्ञान से हमारी बुद्धि दिव्य होती है। हम यों भी कह सकते हैं कि इस ज्ञान से ही हमारी बुद्धि का निर्माण होता है और जन्म जन्म हमारी बुद्धि कैसी रहेगी, इसका आधार वर्तमान ज्ञान का चिंतन, ज्ञान को बुद्धि में समाना ही है। तो आओ हम सभी ज्ञान को भी महत्व देकर बाबा की मुरलियों का बहुत अच्छा अध्ययन करें। ज्ञान का भंडार भरा पड़ा है इन मुरलियों में, अव्यक्त में भी और साकार में भी। क्लास में आकर भी सुनें और स्टडी भी करें तो ज्ञान से आत्मा भरपूर रहेगी। सोचने की बात है, जरा मेरे साथ गहन चिंतन करें। सभी भाई लोग और बहनें भी अपने अपने लौकिक परिवारों को चलाने के लिए रात दिन कितनी मेहनत करते हैं। नौकरियां, बिजनेस, धंधे, काम, खाने का भी फुर्सत नहीं तो नींद का भी टाइम नहीं, दिन रात एक किए रखते हैं। आपके बच्चे जो बहुत अच्छी नौकरी चाहते हैं, कितनी मेहनत करते हैं पढ़ाई में, कोचिंग करते हैं, रात दिन लगे रहते हैं, अपने शौक भी छोड़ देते हैं। हम सोचें बाबा हमें कितना बड़ा भाग्य दे रहा है। इतना बड़ा भाग्य कि दो युग तक तो कुछ कमाना ही नहीं पड़ेगा। जरा सोच कर देखो, जो कमाने की मेहनत कर रहे हैं उनको इसकी कितनी वैल्यू है। दो युग तक कुछ भी कमाना नहीं पड़ेगा और अथाह धन संपदा हमारे पास रहेगी, देते ही रहें इतनी होगी, यद्यपि वहाँ किसी को देने की जरूरत नहीं। और त्रेता युग में भी हमको सब कुछ सहज मिलेगा। तो विचार करें, ऐसे महान भाग्य को प्राप्त करने के लिए हम क्या कर रहे हैं। सोच लें सभी, अगर हम इस समय को महत्व नहीं देंगे, अपने से मेहनत नहीं करेंगे, समय व्यर्थ में ही गंवाते रहेंगे तो हमें क्या मिलेगा। हम ये नहीं कह सकते कि हमारे पास समय नहीं है। समय उसके पास नहीं होता जो समय को ठीक से मैनेज करना नहीं जानते। समय उसके पास नहीं होता जो समय को वेस्ट करते हैं। समय उसके पास नहीं होता जो थोड़े से काम में बहुत लंबा चौड़ा समय बिता देते हैं। इसलिए समय को बचाना ये अपने हाथ में है। आप सब जानते हैं, जिस काम को हम महत्व देते हैं, जिस कार्य में हमारी रुचि होती है, उसके लिए हमारे पास समय की कोई कमी नहीं होती। तो संगम युग के इस समय को संपूर्ण महत्व देते हुए हम अपनी पुरुषार्थ की गति को तेज करें और अपने अंदर ज्ञान का बल भरें। मैं सभी से कहूंगा कि कम से कम 16 बहुत पावरफुल ज्ञान की पॉइंट अपनी विशेष डायरी में लिखें। एक पेज पर एक पॉइंट लिखें, ऐसी पॉइंट जो आत्मा को सुख दे, नशे में ले चले, उड़ा दे, एकाग्र करे, जागृत कर दे। उनको पढ़ते रहें तो ज्ञान का बल बढ़ता रहेगा। तो आज सारा दिन बहुत अच्छी तरह से 5 स्वरूपों का अभ्यास करेंगे, अपने देव स्वरूप को देखेंगे। हम कैसे देवता थे, ऐसे थे, सर्वगुण संपन्न, कंचन काया, चेहरों पे दिव्यता, धन धान से भरपूर। फिर अपने पूज्य स्वरूप को देखेंगे,
हम विघ्न विनाशक गणेश थे, यास्त पूजाधारी देवी के रूप में हमारी पूजा हुई, या महाविष्णु के रूप में हमारी मान्यता रही, कोई भी अपना पूज्य स्वरूप अपने सामने लाते रहेंगे। विशेषकर पांच स्वरूपों में से इन दो स्वरूपों का आज अभ्यास करेंगे, देव स्वरूप और पूज्य स्वरूप, और सारे दिन को आनंद पूर्वक व्यतीत करेंगे। तो आप सबको बहुत बहुत थैंक्स। ओम शांति।